हेलो, हम पढ़ रहे थे सरसों। देखो, अब आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। सरसों के मतलब जो तेल होता है उसके बारे में देखते हैं। भाई बहुत ज़्यादा अननोन सी चीज़ नहीं है। नॉर्मली भी घरों में यूज़ करते हैं तो इतना तो हमें पता ही होता है। बस इसमें मतलब कुछ एक चीज़ जो मतलब पाई जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो देखते हैं। देखो, सरसों का तेल सरसों के पौधे से प्राप्त बीजों से निकाला जाता है। सभी को पता है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। फसल पकने पर पत्तियां पीली पड़ने लगती है वह फल भी पीले पड़ने लगते हैं। सिंपल सी बात है। फलियों के स्फुटन से पूर्व ही फसल को काट लिया जाता है। भाई फलियां जो होती है ना, उनके स्फुटन मतलब कि उनके फटने से पहले ही उनको काट लिया जाता है, ताकि भाई अगर वो पूरे तरीके से पक जाएंगी तो वो फली खुल जाएगी और बीज वहीं पे मतलब बिखर जाएंगे। फिर उसको कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको पकने से पहले ही काट लिया जाता है। काटने के बाद इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। भाई काट लिया, अब इनको पूरे तरीके से सुखाया जाएगा। सूखने के बाद ये क्या है, इनकी जो फलियां होती है वो अपने आप ही फटने लगती है या चटकने लगती है, ठीक है। तो सूखने पर फलियां फट जाती है। काटने के बाद इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने पर फलियां फट जाती है और बीज बाहर निकल जाते हैं। भाई जैसे ही फली सूखेगी तो वो क्या होगी, फट जाएगी और इससे इसके अंदर जो बीज होता है वो बाहर आ जाएंगे। सारे बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है और भूसे को अलग कर दिया जाता है। भाई सारे बीज जो जो है उनको तो इकट्ठा कर लिया जाएगा, और उसका जो मतलब वो फली वाला हिस्सा है और वो जो उसका नीचे वाला प्लांट भाग है उस सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा, ठीक है। और वो मतलब किस काम में आएगा, पशुओं के चारे के रूप में काम में लिया जाएगा। अब भाई सरसों की उन्नत किस्में जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, हमारे पास कौन कौन सी इसकी किस्म है। भाई सरसों की होती तो बहुत सारी किस्में है, लेकिन हम तो उसका प्रोडक्शन करेंगे ना जिसमें हमें तेल ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसी उन्नत किस्में जिनसे हमें तेल मिलेगा वो कौन कौन सी है। देखो, अगर हम भूरी सरसों की बात करें तो BHS1, पूसा कल्याणी, BS2, BS70, ये सब क्या है, भूरी सरसों की किस्में हैं। पीली सरसों की देखो, 88, PS66, YSPB24, TISI, ये सब किसकी, पीली सरसों की किस्में हैं। SI नहीं है ये भाई, TI51 है ये, 51। मस्टर्ड देखो अब भाई, तीसरी जो इसकी किस्म है वो है मस्टर्ड। इसकी किस्में बताइए हैं, वरुण, पूसा, बोल्ड, क्रांति, कृष्णा, PH30, दुर्गा मणि, लाहा 101, RLM 514, RLM 619, ये सब क्या है, मस्टर्ड की किस्में। आगे देखिए, अब इसका तेल निष्कासन कैसे करेंगे, भाई इससे तेल निकालेंगे कैसे, ये देखो। सरसों के पौधे से प्राप्त बीजों में 30 से 45% तेल होता है, मतलब काफी बड़ा अमाउंट होता है ये। अगर किसी में मतलब ये मानो कि 30 से 45% तेल पाया जा रहा है, इसका मतलब काफी मात्रा है इसमें तेल की। बीजों से छोटे स्तर पर कोहलू से तथा बड़े स्तर पर एक्सपेलर से अथवा हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा तेल निकाला जाता है। भाई इसका तेल निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, बीज को जैसे दबाते हैं ना तो उससे तेल निकलता है, तो कोहलू में क्या किया जाता है, जैसे कुछ है ना उसमें चक्की जैसे पार्ट होते हैं, ठीक है, और वो बहुत मतलब बड़े साइज के होते हैं, उनके बीच में सरसों के दानों को डाला जाता है और जैसे ही वो घूमेंगे तो वो दबेंगे और उससे तेल निकलेगा, ठीक है। तो बीजों के छोटे स्तर पर जहां पे छोटा सा काम है वहां पे कोहलू से निकाला जाता है, लेकिन बहुत बहुत बड़े स्तर पे भाई क्या करा जाएगा, यहाँ पे मशीनें होती है जिसको क्या बोलेंगे, एक्सपेलर, ठीक है, या फिर हाइड्रोलिक प्रेस। प्रेस का मतलब दबाना, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा तेल निकाला जाता है। इस प्रकार हमें कच्चा तेल प्राप्त होता है। जो हमें ये मिला है वो कैसा है, रो है, मतलब कि कच्चा तेल है। इस कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है। अब इसको परिष्कृत किया जाएगा तब ये थोड़ा शुद्ध होगा, ठीक है। सरसों के तेल का रंग सुनहरा पीला होता है, सभी ने देखा होगा। तो
कलर कैसा होता है इसका, सुनहरा पीला। इसमें एरोसी कमल, भाई मेन बात अब ये है, ठीक है, इसमें एरोसी कमल की मात्रा कुल वसा अम्लों की 45 से 50%, मतलब कि इसमें जो वसा अम्ल पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, एरोसी कमल मिलेगा, ठीक है। ओलिक अम्ल तथा लिनोलिक अम्ल की मात्रा 47% तक होती है, ये दोनों फैटी एसिड भी मिलेंगे। इसमें कुछ मात्रा में अन्य असंतृप्त अम्ल, भाई कुछ और असंतृप्त अन्य वो मिलेंगे, अम्ल मिलेंगे, जैसे कि पामिटिक अम्ल है, स्टेरिक अम्ल है, लिनोलिनिक अम्ल है, ये भी इसमें उपस्थित होते हैं। तेल में एलाइल आइसो थायोसाइनेट, अब नाम याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसमें जो तीखी गंध होती है वो किसके कारण होती है, तो सरसों के तेल में एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण तीखी गंध होती है। मैंने शुरू में ही बताया था आपको भी भैया ना, इसमें जो एक तीखी गंध होती है ना वो सल्फर के कारण होती है, ठीक है, तो इस वाले मतलब इसमें सल्फर पाया जाता है, इस वजह से इसमें तीखी गंध होती है। सरसों के तेल के उपयोग, भाई सिंपल से उपयोग है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि सरसों का तेल प्रमुख खाद्य तेल है जो भोजन पकाने में अचार इत्यादि में प्रयुक्त होता है, सब जानते हैं इसके बारे में। भाई नॉर्मली हमारे घरों में जो हमारा एरिया है, तो इसमें क्या होता है कि भोजन पकाने के रूप में सरसों का ही तेल काम में लिया जाता है। भाई हम लोग यूज करते हैं तो आप लोग ये सोचते होंगे कि है ना, जैसे हम सरसों का तेल यूज करते हैं ऐसे ही सभी करते होंगे, नहीं, जो अपन साउथ साइड जाएंगे वहां पे नारियल ज्यादा होते हैं, तो वहां पे भोजन पकाने के रूप में भी नारियल तेल का यूज किया जाता है, कई जगह मूंगफली के तेल का और कुछ जगह पे तिल के तेल का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एरिया है उसमें क्या किया जाता है, सरसों के तेल का भोजन पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए हम तो इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आगे देखो, तेल निष्कासन के बाद बचे हुए अपशिष्ट खल कहलाता है। भाई नॉर्मली जो पशुओं को भोजन के रूप में या चारे के रूप में आहार के रूप में दिया जाता है वो क्या है, खल होता है ना, तो तेल निष्कासन के बाद जब इसमें से तेल निकाल लिया जाता है तो इसमें जो अपशिष्ट बच जाता है, वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उसको क्या बोलेंगे, खल। तो तेल निष्कासन के बाद बचे हुए अपशिष्ट खल कहलाता है, जो जो पशु आहार के रूप में प्रयुक्त होता है। सरसों का तेल चमड़े को नरम व लचीला बनाने के लिए चर्म उद्योग में उपयुक्त प्रयुक्त किया जाता है। भाई जो चमड़ा उद्योग है उसमें भी सरसों का तेल बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसमें क्या करते हैं, चमड़े को उसमें डुबा के रखते हैं, जिससे वो कैसा हो जाता है, फिर नरम और लचीला हो जाता है, मतलब और ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। सरसों के तेल की मालिश मांसपेशियों के दर्द तथा कपूर मिश्रित कर त्वचा रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। भाई सरसों के तेल की मालिश करने से क्या होता है, मांसपेशियों में अगर दर्द वगैरह है, ऐंठन है, तो वो ठीक हो जाती है, और अगर इसमें कपूर मिला के लगाया जाए तो ये त्वचा रोगों में भी फायदेमंद होता है। निम्न स्तर का मतलब जो थोड़ा लो क्वालिटी का तेल होता है वो क्या किया जाता है, साबुन उद्योग तथा मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साबुन उद्योग में, साबुनों में भी तो तेल यूज किया जाता है, तो इसका जो लो क्वालिटी का तेल होता है वो जो बच जाता है लास्ट में, उसको साबुन उद्योग में काम ले लेते हैं और मशीनों में डालने के काम ले लेते हैं। लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक के रूप में, मतलब कि मशीनों में एक बोलते हैं ना स्मूथनेस बनी रहे, उसके लिए सरसों का जो लो क्वालिटी वाला तेल होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे मूंगफली, तो इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।